हेलो दोस्तों, आज हम औसत का जो टाइप टू है उस टाइप के सवाल को लेकर आए हैं। पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा एवरेज का कॉन्सेप्ट बताया था और टाइप जितने फार्मूले हैं उसको बताया था, और उसमें मैंने दो तरीके से औसत निकालना बताया था। तो जो दूसरा मेथड हमने बताया था, मैंने कहा था बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज उस मेथड का इम्पोर्टेंस यहाँ समझ में आएगा। तो कुछ लोग भाई अगर पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ करके वो थोड़ा सा पहले वाला इसका जो नंबर एक वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आइए, हमने एक सवाल के माध्यम से हम लोग टाइप टू सवाल को समझते हैं। हमारे जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी सवाल होंगे, सब टाइप वाइज होते हैं, जिसमें मैंने टाइप वन में बता रखा हूँ वीडियो वन में, और ये हमारा दूसरा टाइप है। उससे पहले हमने मेंसुरेशन पढ़ाया है, कम से कम नहीं तो 25-25 वीडियो में टोटल कम्प्लीट हुआ है मेरा मेंसुरेशन। तो आप अगर जा करके आप वहाँ प्लेलिस्ट में देखिएगा, सारा प्लेलिस्ट में आपको नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन और साथ ही साथ जो है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा कि महेश 500 रुपयों के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। सवाल एक बार बहुत ध्यान से समझिए और बता दूंगा बहुत ही आसान तरीका, और बड़े आसानी से आप लगा ले जाएंगे। दो तरीका बताऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। क्या कह रहा कि महेश 500 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। यदि वह 600 रुपये के औसत से 2 शर्ट और खरीदता है तब नए 5 शर्टों का औसत बताइए। इस तरीके के अगर सवाल जब आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसी के बारे में हमें पढ़ना है। फिर से समझिए, क्या कह रहा, महेश 500 रुपये के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। कितने शर्ट? 3 शर्ट। और कह रहा है कि 600 रुपये के औसत से 2 शर्ट और खरीदता है। तो मिला के 2 शर्ट यहाँ, 3 शर्ट यहाँ, 5 शर्ट हो गया। तो 5 शर्ट जो हो रहा उसका औसत मूल्य क्या होगा? अब ऐसा सवाल अगर आ गया तो जनरली जो आप जानते हैं वो कैसे लगाते हैं, मैं आपको वो बता दूं। पहले सबसे पहले एक बात बताइए, 500 रुपये के 3 शर्ट है, ध्यान से समझिएगा, 500 रुपये के कितने शर्ट हैं? 3 शर्ट है। तो दोनों का गुणा कर दीजिए तो 3 शर्ट का टोटल कितना मिल जाएगा? 1500 रुपये। भाई 500 रुपये का 1 शर्ट मान ले रहे हैं अगर एवरेज में, तो 3 शर्ट हमारे तो 1500 हुआ। उसी तरीके से अगर 600 रुपये का 1 शर्ट है तो 2 शर्ट टोटल है, तो बताइए कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। यही तो हुआ। अब अगर हम आपसे कहें, बताइए इधर टोटल अगर हम इसको जोड़ दें कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 2700 आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमको औसत निकालना है 5 शर्ट का, उसको करेंगे क्या हम लोग कि 2700 में ये दोनों जोड़ दीजिए, 5 से भाग कर दीजिए, तो जो आएगा ये इसका एवरेज हो जाता है। कितना आएगा बताइए भैया? ये आ जाएगा 25 5 के 20, यही आएगा आपका, क्योंकि 5 से भाग करेंगे तो 540। कहने का मतलब एवरेज हमारा निकल गया 5 शर्ट का ये 540। कोई दिक्कत की बात नहीं, एवरेज पता चल गया, 5 शर्टों का हमको औसत पता चल गया कितना, 540 आ गया। कैसे किया गया? बहुत ही आसान है। एक लाइन में अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एवरेज बराबर क्या कर दीजिए यहाँ, 500 × 3 धन या प्लस या जमा 600 × 2, भाग किससे करना है? 3 × 2 5 से, 5 से, क्योंकि हमने बताया था अगर जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि जो औसत होता है, हमने फार्मूला एक बताया था कि औसत बराबर क्या बताया था, औसत बराबर क्या बताया यहाँ समझिएगा, एक्स बराबर, इसको औसत को एक्स से दिखाते हैं, संख्याओं का योग और बटा संख्याओं की संख्या। तो फर्स्ट टाइम आप जुड़ रहे हैं तो जरूर जाकर उधर देख लीजिएगा, तो उससे देखिए हम यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं, फिर भी वही आएगा। ये आ जाएगा 5 × 3 = 15 और ये आ जाएगा 6 × 2 = 12 और भागे कर देंगे 5। कहने मतलब 2700 में 5 से भाग कर देंगे तो 540 एवरेज हमको मिल गया। ये सिंपली फार्मूले पे था जिसको हमने आपको, मैं आपको फार्मूला बताया भी हूँ, अगर आप, मैंने कहा अगर फर्स्ट टाइम आप जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसका अगर दूसरा मेथड देखते हैं, देखिए दूसरा मेथड जो कि बहुत ही आसान होता है, ये इसको आप शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए। तो देखिए उसमें हम लोग कैसे करेंगे, ये सेकेंड मेथड है, ये तो मैंने बता दिया डायरेक्ट आप फार्मूले से कैसे आप निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दूसरा मेथड देखें तो क्या कह रहा है, देखिए 500 600, ये जो दोनों डेटा दिया है लिख लीजिए, यही को कितना दिया 500 है, या आप ऐसे लिखे तो आपको याद रहेगा, यहाँ 3 शर्ट है ऐसे लिख दीजिए 3 शर्ट, और यहाँ कितना है 2 शर्ट है, याद भी आपको रहेगा।
तीन शर्ट का एवरेज जो था हमको कितना था, 500 के रेट से, यहाँ पे 600 के रेट से खरीदा था। यहाँ कोई एक ऐसा नंबर लीजिए जो 500 और 600 के नियरेस्ट हो, करीब हो, पास हो, तो कुछ भी ले सकते हैं आप। 500 ले लीजिए, 600 कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, मगर ऐसा वैल्यू लीजिए कि कैलकुलेशन थोड़ा हमारे लिए आसानी हो। 700 भी ले सकते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं, ये कोई वैसा नहीं है। 1000 ले लीजिए, 10000 ले लीजिए, 20000 ले लीजिए, लेकिन घटाना उटाना फिर बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए हम यहाँ 500 ही ना ले लें, 500 ले लेते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ 500 यहाँ 500, अगर दोनों का अंतर कितना है बताइए, 0 है। यहाँ कितना अंतर है, प्लस 100 का अंतर है भाई, 100 ज्यादा है ना, 600 500 से कितना ज्यादा, 100 ज्यादा है। तो 100 एक साइड पे है, क्योंकि 600 दिया हुआ है एक साइड पे, तो 2 पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 200 हो जाएगा। ध्यान समझिए भाई, ये 200 कैसे आया, क्योंकि 100 जो था एक साइड का था, यहाँ 2 साइड है ना, तो 100 और उसका 100 मिला के 200। अब ये 200 और ये 0 दोनों को जोड़िए, तो आपको मालूम है 0 में आप 200 जोड़ेंगे तो 200 ही आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 200 लिख दीजिए। डेटा कितना हमारे टोटल पास है, हमारे 3 2 5 है, 5 है, तो कितना आ गया, 5 2 20 40 आ गया, प्लस 40 आ गया क्योंकि प्लस में है, तो आप 500 में 40 जोड़ दीजिए तो 540 इसका क्या पता चल गया, इसका एवरेज आ गया। देखिए यही जो 540 हम यहाँ निकाले हैं, ये भी हम 540 निकाले हैं। तो ये इसका सेकेंड मेथड था, इसका शॉर्टकट था, आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब बात समझ रहे हैं यहाँ पे, तो जो डेटा वाले सवाल देते हैं इस टाइप के, जो ये टाइप टू था आपका, ये टाइप टू था, टाइप वन हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक सवाल मैं और लिखता हूँ जिससे आप एकदम कंफर्म समझ जाए, जैसे अभी ये पहला सवाल था, एक सवाल मैं इस पे और लिखता हूँ और वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार आप समझ लेंगे तो इस तरीके के जो डेटा वाले सवाल आते हैं उसको बड़ी इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक नेक्स्ट पे हम लोग उसको देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, कह रहा कक्षा या क्लास 9th के सेक्शन ए वर्ग ए के 6 छात्रों का औसत 60 है और वर्ग बी सेक्शन बी के 8 छात्रों का औसत 32 है, तो दोनों कक्षाओं का या दोनों क्लास का औसत पूछ रहा है। सेम उसी तरीके का सवाल है, तो ऐसे सिंपली इसको लगाएंगे तो देखिए दोनों मेथड बता रहे हैं, ध्यान समझिए। तो करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ आपका एक वर्ग ए है, वर्ग ए है, कितने छात्र है भैया, 6 छात्र हैं और इनका जो औसत दिया है 60 दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए, दोनों का गुणा कर देंगे 360 हो जाएगा। उसी तरीके से जो वर्ग बी है, वर्ग बी वहाँ देख रहे हैं कितने छात्र हैं, 8 छात्र हैं, तो 32 टोटल है इनका औसत, आप गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 8 2 16, 8 3 24, 1 25 हो जाएगा, ये मिला। अभी देखिए इसमें हम दूसरा मेथड जो बताएंगे, हम दूसरा क्यों बता रहे हैं बार बार, कितना गुणा करना पड़ रहा है, इसी वजह से, इसी चीज को आसान बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब हम करते क्या है, इस वाले को जोड़ेंगे, इस वाले को जोड़ेंगे, इधर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14, इधर जोड़ेंगे बताइए कितना आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 6 आ गया, 6 5 11, 3 2 5 1 6, मतलब 616 आ गया। अब आपसे पूछे औसत क्या होगा तो आप कहेंगे 616 में 14 से भाग करना है, यही होगा। देखिए 636 360, 8 2 16, 8 3 24, 1 25 जोड़ेंगे, ये आएगा, इससे भाग कर दिया। अब भाग करने के लिए आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, चलिए 2 3 6 और 2 8 16, ये 2 7 14 हो गया। अब तो भाग ही करना पड़ेगा, कितना आ गया, 7 4 28 7 4 28 44 आएगा, मतलब इसका औसत जो आया कितना आ गया भैया, 44 आ गया, दोनों कक्षाओं का जो औसत आया 44 आ गया। एक मेथड तो आपका ये था, और हम फिर से बता दे रहे हैं कि जो औसत होता है, औसत फार्मूला बताया है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपान संख्याओं की संख्या, संख्याओं की क्या चीज, संख्या, कितनी संख्याएं हैं, ये एवरेज, ये पहले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया है। इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, देखिएगा शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगाते हैं कितनी आसानी से। पहले जो दोनों औसत लिखा है, यहाँ देखिए वर्ग ए है एक और दूसरा वर्ग बी है, क्या है, वर्ग बी है। अब आप बात समझिएगा, जो वर्ग ए की बात कर रहा है उसका औसत देख रहे हैं, 6 छात्रों का औसत कितना दिया है 60, कितने स्टूडेंट है 6 है, लेकिन औसत कितना दिया है 60, और आप देख रहे हैं
जो हमारा सेक्शन बी है उसमें 8 छात्रों का औसत कितना दिया है, 32 दिया है। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 छात्र हैं, यहाँ पे 8 छात्र हैं, और इनका औसत पूछ रहा है दोनों कक्षाओं को कंबाइन करके पूरा एवरेज पूछ रहा है, एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। फिर हम आपसे बता रहे हैं, हम क्या कहें आपसे, कोई ऐसी संख्या लीजिए जो इनके नियरेस्ट हो, इनके पास हो। तो चलिए हम अपने मन से कितना ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। 50 से कितना ज्यादा है, प्लस 10 ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। 50 से कितना ये कम है आप बताइए, तो आप कहेंगे सर -18 कम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने लोग यहाँ पे हैं थोड़ा हमको बता दीजिए, 6 लोग हैं, तो 6 जब एक पे 10 है तो 6 पे कितना हो जाएगा बताइए, तो 60 हो जाएगा, प्लस 60 भाई। जब एक पे 10 है तो 6 लोग हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई ये हुआ। अब यहाँ देखिए एक पे अगर 18 है तो 8 पे कितना हो जाएगा, तो 18 × 144 अगर आप गुणा कर सकते हैं, 18 × 144 ही होता है, नहीं गुणा कर पा रहे तो गुणा कर लीजिए, 8 × 64 = 8 + 8 = 144 और 18 का पहाड़ा आता ही है। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों को जोड़िए, तो देख रहे हैं 60 है, ये कितना है 144 है, और आपको मालूम है कि -144 में से अगर 60 घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे यहाँ 4 आएगा और यहाँ जाएगा कितना 84, यही तो आएगा। कैसे देखिए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे घटा दीजिए तो 8 आ जाएगा, और वो भी माइनस में आया, मतलब -84 भाग किससे करेंगे, जो दोनों डेटा दिया हुआ है 14, ये हुआ, यही हुआ, और 14 का पहाड़ा पड़ेंगे तो कितने 6 बार, -6 कैंसिल हो जाएगा, जो आ रहा है वही ले जाके इसमें से घटा दीजिए, तो बराबर कितना आ गया 44, एवरेज ये भी आया। देख रहे हैं यहाँ पर भी एवरेज वही आया। फिर से हम आपको बता दें कैसे किए हैं, वर्ग ए वर्ग बी, इसका औसत 60 था, इसका औसत कितना 32 था, अपने आप से संख्या 50 ले लिया, इसमें से इसको घटाया -10 आया, क्योंकि 50 से 60 कितना ज्यादा है, प्लस 10 ज्यादा है, बट कितना कम है, -18 कम है। फिर हमने क्या कहा, ये एक पे था 6 लोग हैं तो 6 से गुणा कर दीजिए तो 60 हो गया, एक लोग पे 18 है, फिर उसके बाद क्या किया 8 से गुणा कर दिया तो -144, क्योंकि 8 लोग पे देखना, एक पे 18 तो 8 पे बताइए 144, फिर 144 और 60 को हमने जोड़ दिया तो -84, दोनों डेटा जोड़ दीजिए, 8 × 6 = 14 भाग -6 है, माइनस में है, इसमें से घटा दीजिए, प्लस आया तो जोड़ देते, ये इसका क्या हो गया, औसत हो गया। तो देख रहे हैं औसत निकालने का ये दूसरा मेथड था, और ये आपका क्या था, ये पहला मेथड था। तो जो भी आपको समझ में आए, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, जिससे आप आसानी से कर ले जाए। हम दो मेथड बता रहे हैं एवरेज निकालने का, पहले वीडियो में भी हमने वही बताया था, इसमें भी हम वही बताए हैं। तो हर सवाल के 2 मेथड 3 मेथड हम बताते हैं, आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए और कई बार समझिए। ये थोड़ा सा अभी आपको लग रहा होगा, इतना हम जब आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो ये प्लस 10 ये सब आप दिमाग में करेंगे। अब जैसे सुनिए, अगर मान लीजिए आप सीख गए होते तो ये 50 मान लेते, यहाँ 10 अपने आप से समझ में आता, तो 10 × 60 डायरेक्ट 60 लिखते और इधर -144 लिखते। अब ये सिर्फ ये और इसका मैटर होता, इसको घटाते 14 भाग करते, आंसर आ गया। कहने का मतलब ये सीखने के बाद ये कैलकुलेशन एकदम आसान बना देगा, इस वजह से। इसको अभी आप इतना लिखा हुआ देख रहे हैं तो आप हो सकता है घबरा रहे हो कि बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है, जब आप इसको सीख जाएंगे बहुत आप जल्दी कर पाएंगे। तो ये था हमारा दूसरा मेथड, मैंने 2 सवाल टाइप दूसरा बताया, और पहला टाइप का जो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट और टाइप 1 मैंने वीडियो 1 में पूरा बताया है, और साथ ही साथ मैंने पूरा मेंसुरेशन पढ़ाया है, पूरा रियल नंबर पढ़ाया है, पूरा सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया है। तो अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप जरूर देख लीजिएगा, त्रिभुजों का केंद्र जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही SSC के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो जाकर देखिएगा अपना, वहाँ हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी और कई चीज़ें आपको वहाँ सीखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक और नया टॉपिक का एक नया टाइप, इसी एवरेज का अगला टाइप लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।